नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मटन की रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। इसके लिए हमने 1 किलो मटन लिया है। इसके लिए 2-4 तेज पत्ते लिए हैं। अदरक को मैंने बारीक काट लिया है। 1 लौंग ली है। ये दालचीनी है। 2 छोटी इलायची या बड़ी इलायची है। 1 चम्मच जीरा है। ये लहसुन की 2 कलियों का पेस्ट बना लिया मैंने। 2 हरी मिर्च काट ली बारीक मैंने। 2 टमाटर काट लिए मैंने बारीक। 1 कटोरी दही लिया मैंने। 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया। 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर लिया। 1 चम्मच कस्तूरी मेथी लिए। 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया। 1 कटी हुई प्याज लिए। मैं आपको मटन की रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। यह हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। ये तेज पत्ते डालेंगे। ये इलायची डालेंगे। ये छोटी इलायची। ये दालचीनी। ये लौंग डालेंगे। अब इसके अंदर हरी मिर्च प्याज डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको भूरा या सुनहरा होने तक पकने देंगे। ये हमारी हरी मिर्च और प्याज फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मटन डाल देंगे। अब हम इसको इसी तरह से 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अब ये हमारा मटन फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर दही डाल देंगे। अब इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। अदरक डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। 1 गिलास पानी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे और अब इसको हम पकने देंगे। ये हमारी मटन पूरी बनकर तैयार हो गई है। इसको आप एक बार जरूर बना के देखिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।